ये बात है 1982 की, जब लेजेंडरी सिंगर अदाकारा नूरजहां इंडिया आई थी। मौका था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉकी फिल्मों की गोल्डन जुबली मनाने का। स्टेज पर जैसे ही वो गईं, सब ने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की, वो बेहतरीन गीत गाने का, जिसे गाकर वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गईं। वो गीत था आवाज दे कहां है दुनिया मेरी जवां है। दरअसल ये गीत 1946 में रिलीज हुई उनकी फिल्म अनमोल खड़ी का था, जिसमें उन्होंने लीड रोल भी निभाया था और इस फिल्म के गाने भी गाए थे। ये गीत इतना पॉपुलर हुआ था कि लोग आज भी इस फिल्म के संगीतकार और सिंगर को याद रखते हैं, लेकिन शायद ही किसी को इस गीत के गीतकार का नाम याद हो। इस गीत को लिखा था तनवीर नकवी साहब ने। वो इतना खूबसूरत गीत लिख कर भी जमाने की बेकदरी का शिकार हो गए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम उनको खिराज अकीदत पेश करेंगे। तनवीर नकवी साहब की पैदाइश 6 फरवरी 1919 को लाहौर में हुई थी। उनका असली नाम सैयद खुर्शीद अली था। वो मूल रूप से ईरान के फारसी लेखकों और शायरों के खानदान से ताल्लुक रखते थे। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो बंबई आ गए और यहाँ आकर अब्दुल रशीद कारदार से मिले, जो उस वक्त फिल्म स्वामी, जो कि 1941 में रिलीज हुई थी, बना रहे थे। कारदार साहब उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत गीत लिखने का मौका दिया। तनवीर नकवी ने उस फिल्म के लिए सिर्फ एक गीत लिखा, जिसे रफीक गजनवी साहब ने संगीत से सजाया। तनवीर नकवी से कारदार साहब खासे प्रभावित थे और उन्होंने अपनी अगली फिल्म नई दुनिया, जो कि 1942 में रिलीज हुई थी, का निर्देशन किया। तो इस फिल्म के लिए तनवीर ने 11 में से 9 गाने लिखे, जिसके संगीतकार थे नौशाद साहब। उनके लिखे गीतों में बेबी सुरैया का मकबूल डेब्यू गीत बूट करूं मैं पॉलिश बाबू शामिल था। बूट करूं मैं पॉलिश बाबू, बूट करूं मैं पॉलिश, बूट करूं मैं पॉलिश बाबू, बूट करूं मैं पॉलिश। तनवीर नकवी के करियर का सबसे अच्छा दौर 1946-47 का था, जब उन्होंने अनमोल घड़ी, जुगनू और नादान जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए लिखा। एक गीतकार के तौर पर वो खासे मशहूर हो गए थे। लेकिन वो एक और फिल्म पर्दा, जो कि 1949 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म के गीत लिखने के बाद पाकिस्तान चले गए और अगले 4-5 सालों तक उन्होंने वहां की फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। लेकिन फिर 1954 में भारत वापस आ गए और जमीन के तारे 1960 तक फिल्मों के लिए गीत लिखते रहे। फिर उनके दिमाग में न जाने क्या आया, यहाँ का अच्छा खासा करियर छोड़कर वो फिर पाकिस्तान चले गए। कहते हैं वो मशहूर और मारूफ सिंगर और अदाकारा नूरजहां के बुलावे पर पाकिस्तान गए थे, क्योंकि वो रिश्ते में उनकी साली लगती थी। तनवीर नकवी ने नूरजहां की छोटी बहन ईदनबाई से शादी की थी। वहां जाकर उन्हें फिर से संघर्ष करना पड़ा और वो वहां की फिल्म इंडस्ट्री में 1971 तक उर्दू और पंजाबी फिल्मों के गीत लिखते रहे। अपने एक लंबे करियर में उन्होंने शाह मदीना, यशब के वली और जो ना होता तेरा जमाल ही जैसी बेहतरीन नातें लिखी। भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन से पहले नकवी को 1950 और 70 के दशक के बीच पंजाबी कविता और साहित्य में सबसे महान शास्त्रीय लेखकों में से एक गिना जाता था। उन्होंने पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म तेरी याद सहित उर्दू और पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए ढेरों गीत लिखे। 1 नवंबर 1972 को लाहौर में वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। इंडिया में उन्होंने 48 फिल्मों में करीब 224 गीत लिखे। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक मकबूल गीतकार की जिंदगी की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।